शालिन और टीना फिर से नजदीक आए तो जी फिर वापस बिग बॉस ने भी पूछा कि क्या लगता है लोगों की राय ली, घर वालों की राय ली जी, उसमें आपकी क्या राय है, उसमें अगर आप कुछ बताना। अब मेरी राय ये है उसमें सिर्फ कि यार उनके रिश्ते में बहुत कन्फ्यूजन है, मेरे पास भी, मैंने भी बहुत कोशिश की उनका वो इज्जत प्यार वो बनी रहे और बीच में जो कन्फ्यूजन से वो हटी रहे, बट वो कन्फ्यूजन बरकरार रही। बेस्ट ऑयल कार्ड के रूप में आप आए काफी कुछ, थैंक यू, में भी आप हाल ही में गए थे जी, काफी कुछ धमाके किया वहाँ पे, किस तरह से जर्नी के बारे में अगर कुछ बताना चाहूँ। यार मेरा सिर्फ एक ही इंटेंट था कि पहले तो सबसे इज्जत प्यार से किया जाए, क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा कलेश और लड़ाइयाँ करता है, तो जो मैंने शुरुआत में बोला भी, बट क्योंकि वो एक ऑप्शन है जो आपके पास कुछ जब नहीं बचता है तो वही आप एक्सरसाइज करते हैं, बट हर किसी से मैं यही कहता था, बट वहाँ की एनर्जी ऐसी रहती है जब आप क्लोज रहते हैं और सब दूसरा सिर्फ चीख के लड़ाई करके बात करता है और अपनी हद को पार करता है, तो फिर कई बार ऐसा होना पड़ता है, बट उन सब चीज़ों में चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, इज्जत हो, परेशानी हो, किसी से मनमुटाव है, वो सब सच्चाई से करने की कोशिश की है मैंने और वही किया, और अपना सीना ठोक कर छाती चौड़ी करके स्माइल करते हुए गया था और वैसे ही बाहर आया हूँ, यही एक नियत में था, और इसीलिए बाहर आया हूँ तो आप सबका प्यार इतना मिल रहा है, आप सब इतने ऐसे हाथ खोल के मुझे गले लगा रहे हैं और खुशियाँ दे रहे हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़ के एम्ब्रेस करता हूँ और ऐसे हाथ खोल के एम्ब्रेस करता हूँ और हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। स्टैंड छोड़ा था बट मज़ेदार था। 31st की मैं बात करूं, जब पार्टी थी जी, घर पे जी, जब शालिन और टीना फिर से नजदीक आए तो लोग फिर वापस बिग बॉस ने भी पूछा कि क्या लगता है लोगों की राय ली, घर वालों की राय ली जी, उसमें आपकी क्या राय है, उसमें अगर आप कुछ बताना। अब मेरी राय ये है उसमें सिर्फ कि यार उनके रिश्ते में बहुत कन्फ्यूजन है, मेरे पास भी, मैंने भी बहुत कोशिश की उनका वो इज्जत प्यार वो बनी रहे और बीच में जो कन्फ्यूजन से वो हटी रहे, बट वो कन्फ्यूजन बरकरार रही, और आने के बाद अगर वो दिखा मुझे कि साथ में हुए हैं तो वो क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि दोनों बहुत ही अलग तरह के इंसान हैं एक दूसरे के लिए, और वो घर से बाहर निकलेंगे तो समझ आएगा कि वो कितनों एक दूसरे के लिए कितने अच्छे हैं या नहीं हैं, क्योंकि जब बहुत सारी बातें ऐसी हैं चाहते हैं वो करना जो कैमरा के सामने हुआ नहीं रह कर पाते हैं, और ये बात आई थिंक शालिन ने बोली भी थी कि उन्होंने एक डेट रखी है फिनाले के बाद जब वो मिलेंगे बाहर और फिर से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसा होता है, तो मैं भी वो देखना चाहता हूँ कि फिर वो कैसे अनवील होता है और कैसा रिश्ता बनता है। घर के अंदर मास्टरमाइंड कौन है आपको क्या लगता है? आप में से कोई भी इसका जवाब जानता है? साजिद खान। फिर आपको खुद को जवाब मालूम आ रहा फिर भी मुझसे बोल रहे हैं? हाँ जी। आपको ये नहीं लगा कि जितना भी समय आपने बिताया उस घर में जी काफी कम समय था और लोगों ने कॉपरेट नहीं किया, अगर कुछ थोड़ा सा कॉपरेट करते तो यू वुड हैव गॉन थोड़े से टॉप सिक्स पे, तो आपको जी नजर जी जी आपको ऐसा नहीं लगा? यार वो गेम के फॉर्मेट ही ऐसा है कि वो बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है, आपको मालूम ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, क्या चीज़ें नहीं हैं, और उससे सिनेरियो में क्या है कि आपके दिमाग जहन में और हाथ में जो है वो ये है जो मुझे लगा कि सच्चाई से समझ से खेलना और कॉल जो सही लगे उसको सही कहो, जो गलत लगे उसको गलत कहो, और ठोक कर इज्जत से प्यार से कहो, और वही मैंने किया। बिग बॉस में आपने शिव ठाकरे को एक नाम दिया है, क्या दिया है नाम? हमने प्रोमो में देखा एक, बताइए क्या नाम दिया, बताइए तो। आपने दिया है सर? अरे पर बताइए तो क्या नाम दिया है? तो दिया था, अगर आप शिव ठाकरे की गेम के बारे में अगर कुछ बताना चाहें। देखिए बहुत ही एक ये ना गेम है, टू बी ऑनेस्ट, हम शायद बाहर इसको पर्सनली ले लेते हैं, बट हम घर में रहकर भी एक दूसरे को बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि अगर वो लिमिट क्रॉस नहीं हो तो कोई इसको दिल पे नहीं लेता है। यू नो आप एक दूसरे के साथ देखो, आप नॉमिनेट कर रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, मनमुटाव हो रहे हैं, लड़ाइयां भी हो रही हैं, बट उसके बाद फिर बैठ के साथ में ही खाना खाते थे सारे। बट 31st की मैं बात करूं, जब पार्टी थी जी घर पे जी, जब शालिन और टीना फिर से नजदीक आए तो जी फिर वापस बिग बॉस ने भी पूछा कि क्या लगता है लोगों की राय ली, घर वालों की राय ली जी, उसमें आपकी क्या राय है, उसमें अगर आप कुछ बताना। किचन फाइट में अर्चना ने जी किचन फाइट में अर्चना ने आपको कहा था कि आप बाप नहीं बन सकते जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यार बहुत ही शर्मनाक है किसी के लिए कहना, और आप बाहर किसी को ऐसे कह देते हैं तो वो फिर तब भी उस बात को नहीं ले पाता है, और अगर ले भी हो तो उसके पास ऑप्शन होती है कि वो छोड़कर चला जाए इस बात को और आगे बढ़ जाए, बट जब आप एक आइसोलेशन में एक घर के अंदर बंद रहते हैं और आपने जिसके साथ कोशिश की हो कि ये सोचा हो कि यार उनके अंदर थोड़ी इंसानियत और सच्चाई है डिस्पाइट कि वो सबसे लड़ते रहते हैं या आर्ग्यूमेंट करती रहती हैं, तो मैंने वो उस एक छोटे से मोमेंट में उनके साथ ये सच्चाई शेयर कर ली थी कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, और उसके बावजूद भी अगर वो
जब किसी से मनमुटाव हो तो वो उस बात को गंदगी में डुबो कर आपको फिर बदवा देती हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये इंसान नहायत ही घटिया और छोटी सोच रखती हैं। और इस बात पे मैं ऐसे इंसान के साथ एक भी मिनट नहीं बिताना चाहता हूँ। तो जबकि उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैं विश करूँगी, तो मुझे लगा कि यार आप इतना ज़्यादा गंदा कहती हैं, अगर आप उसके बाद किसी को सॉरी भी कहना चाहें ना तो उस पर आप पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आप फिर मुड़ के दोबारा से कह देंगे तो आपके सॉरी का कुछ मायने ही नहीं रहते। तो ये है। थैंक यू। नए साल की शुरुआत होने वाली है और अंत में एक बड़ी घटना होगी, तनीषा शर्मा जी जी काफी झटका लगा पूरी इंडस्ट्री को, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं जैसे ही मेरा एविक्शन हुआ था और मैं यूज्ड टू हो रहा था चीज़ों के और इंसानों के और एनवायरनमेंट का, तो वो पहला इंटरव्यू पहली न्यूज़ थी जो मैंने देखी है टीवी पे, और बहुत ही शॉकिंग था। मुझे लगता था कि वो दिखने में बहुत ही प्यारी सी लड़की थी और अच्छा काम करती थी, और मुझे लगा यार व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ। अब ये किसी को नहीं पता है कि क्या रीजंस रहे हैं उनके या क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, बट आई एम वेरी शॉक्ड कि यार, शॉक के साथ ना बुरा लगता है कि यार आपको क्या कहें, मतलब आप समझ ही नहीं आता कि यार आप क्या कह सकते हैं किसी के लिए ऐसे। बट सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को, स्पेशली यूथ को, कि प्लीज़ एक ही ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में चलते रहते हैं। बहुतों की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो इससे भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। थोड़ा नज़रिया बड़ा रखिए और हिम्मत रखिए अपनी प्रॉब्लम से डील करने की, और अपने माँ बाप और अपनी फैमिली को के साथ एकजुट होकर रहिए, क्योंकि जब आप वो रहेंगे जो पेड़ अपनी नींव के साथ हमेशा स्ट्रांग रहता है वो नहीं गिरता है। तो प्लीज़ भरोसा कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप नहीं समझ रहे हैं आपको या उनको आप नहीं समझाना चाह रहे हैं या किसी भी और रीज़न से उनको दुख होगा या वो भी, एट द एंड ऑफ इट वो माँ बाप हैं। और अपने दोस्तों को पकड़िए जिनके ऊपर आपको विश्वास है, बट वो पकड़ के रखिए रिश्तों को, और आप कोई भी परेशानी हो उससे बाहर निकल सकते हैं। और प्लीज़ हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक लाइफ है, साथ में रहिए, इज्जत प्यार बना के रहिए। ये मैं आप सबसे भी चाहता हूँ, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है अराउंड कि लोगों को लगता है कि वो अकेले हो गए हैं और क्या मायने हैं और ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, बट फिर भी ज़िंदगी खूबसूरत है। हम ढूंढते हैं तरीके और रीजंस कि उनको वो आउटलुक दे पाएँ ज़िंदगी की तरफ, और आप भी दीजिए और हिम्मत मत हारिए। प्लीज़ टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।